नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। सभी ये जानने के चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव किसके साथ लड़ने जा रही है। क्या बहुजन समाज पार्टी 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर पीडीए गठबंधन में जाएगी, या फिर ये खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी क्या ओबीसी के साथ गठबंधन करने जा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आखिरकार अब तक क्यों नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जितनी लेट कर रही है, उसी को लेकर जो उनके नेता हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आपने देखा जौनपुर से जो नेता थे बीएसपी के, वो भी कांग्रेस में चले गए। अमरोहा से जो दनेश अली थे वो भी कांग्रेस में चले गए। यानी कि जो बीएसपी के गद्दावर नेता और पुराने जो नेता हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस बार दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इसलिए रुख कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पहले ही लोकसभा अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उनको लग रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेगी तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेना नहीं चाह रहे और ना ही चुनाव लड़ना चाह रहे, और वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इधर पीडीए गठबंधन है तो उधर भाजपा है, और इन दोनों के सामने अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो जीतना असंभव है। यही कारण है कि जो बसपा के नेता हैं वो बसपा पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन बसपा आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बसपा की पहली लिस्ट फाइनल भी हो गई है। कहां से किसको टिकट देने के मूड में है बसपा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कौन कौन छोड़ के जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले बसपा के रितेश पांडे भी बसपा को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, और भाजपा ने उनको अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। तो वहीं बसपा की नेता संगीता आजाद भी बीजेपी में चली गई हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी के भाई और विधायक अफजाल अंसारी ने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है। अब हम उन नेताओं की बात करते हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने उनके नामों पर मोहर लगा दी है और वो 2024 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी चुने जाएंगे। पहला नाम इसमें आता है सबसे ऊपर बिजनौर के सांसद मलूक नागर का। मलूक नागर बसपा के एक गद्दावर नेता हैं और पार्टी के बहुत बड़े सहयोगी भी रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान भी दिया था कि अगर पीडीए गठबंधन को बहन जी को अपने गठबंधन में लेना है तो बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है और बसपा के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और सांसद हैं, नगीना लोकसभा सीट से। नगीना लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं गिरीश चंद्र, जो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर 2019 में चुनाव जीते थे बसपा की टिकट पर, और वो एक बसपा के बहुत ही मजे हुए कार्यकर्ता हैं। यही वजह है कि उनको दोबारा से बहुजन समाज पार्टी नगीना लोकसभा से चुनावी मैदान में उतार सकती है और उतारेगी। उनका टिकट बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है। तो वही साथियों, अगली सीट प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट से इस बार बहुजन समाज पार्टी आशुतोष त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। उनका नाम यहां से फाइनल है। तो वही साथियों, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी ओबीसी के साथ गठबंधन करती हैं तो ओबीसी की जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर वो गठबंधन नहीं करती हैं तो ओबीसी पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 25-30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। लेकिन अगर बहन जी ओबीसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, और जिस सूत्रों से खबर भी चल रही है कि बहन जी और ओबीसी के जो दोनों ही नेता हैं पार्टियों के, वो बहुत दिनों से संपर्क में हैं, और जहां तक है वहां तक गठबंधन की बात उन दोनों के बीच में बन सकती है। तो जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है, फिर यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ से जो ओबीसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनावी मैदान में होंगे। ओबीसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष आदिल सेठ यहाँ से फिर चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, उनका टिकट यहाँ से कन्फर्म माना जा रहा है। तो वहीं अयोध्या से रुश्दी साहब को टिकट मिल सकता है। तो वहीं घोसी लोकसभा सीट से अरशद जमाल को बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन साथियों, अगर 2024 में ओबीसी के साथ बहन जी का गठबंधन हो जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 10 लोकसभा सीटें हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और इसका सीधा सीधा असर पीडीए गठबंधन पर पड़ेगा। जैसे कि नगीना लोकसभा है, अमरोहा है, और सुल्तानपुर हुआ, बंदायू है, आजमगढ़ है, कैराना है, ये वो लोकसभा सीट है जहां पर जो ओबीसी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी खबर अभी तक नहीं आई है कि ओबीसी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि उनका गठबंधन हो सकता है। और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि बहन जी पीडीए के साथ भी जा सकती हैं। लेकिन क्या बहन जी पीडीए के साथ जाएंगी या फिर ओबीसी के साथ गठबंधन करेगी, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पता चल पाएगा जब वो इसकी घोषणा करेंगी। लेकिन एक बात तय है, अगर बहन जी ओबीसी के साथ जाती हैं तो इसका नुकसान पीडीए गठबंधन को होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए भाजपा ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं ओबीसी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाए, क्योंकि इन दोनों के गठबंधन से भाजपा को आसानी होगी और पीडीए गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। इसलिए भाजपा चाह रही है कि उसका गठबंधन हो जाए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद को 22 रेडी की सुरक्षा मिली है उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या जो बहन जी के भतीजे हैं आकाश आनंद वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का या नहीं लड़ेंगे। तो साथियों, ये वो सीटें थीं जिन पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बिल्कुल फाइनल से हैं, इनको ही यहाँ से टिकट मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर नेता तो बसपा को छोड़कर जा चुके हैं और जो पुराने नेता बचे हैं उनका टिकट बिल्कुल कन्फर्म माना जा रहा है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या बहन जी को पीडीए के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।